गाइस हम लोग आए हैं लियो देखने, जिसका यहाँ पे एक भी पोस्टर नहीं लगा हुआ। वेरी गलत बात है, पोस्टर लगाए नहीं पीछे पीछे घंटे पर। इन्होंने सालों ने बॉलीवुड वालों ने ऐसी ब्रांडिंग करी है कि साला और कोई मूवी देखने आया पर ब्रांडिंग ही नहीं की हो। पीछे गणपत तो, और यहाँ सल्लू भाई पेप्सी के साथ सब जगह गणपति गणपत लियो कहीं नहीं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लियो मूवी देखने आए थे और यहाँ पे जोड़े आ रखे हैं बहुत सारे, कुछ नाटे से हैं कुछ लंबे से हैं हर तरह के, और मेरा बड़ा मन कर रहा है इनको देख देख के लड़की पटाने का। पर गाइस मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं सिंगल हूँ। एक एक ये हमारा लड़का, ये रिलेशनशिप में हमारा लड़का, तो इसकी आप हालत देख सकते हैं। बेचारा एक तरफ फ़ोटो खिंचा रहा है और दूसरी तरफ कॉल पे लगा हुआ है। इसे कहते हैं रिलेशनशिप वाला लड़का। देखो आवाज़ आ रही है। हाँ यूपीआई से तो पे कर दूंगा ना भाई, यूपीआई से पे करवा रही हूँ उसके घर पे। देखो सर गाइस देखो क्या क्या जमाना आ गया, गर्लफ्रेंड यूपीआई से पे कराती है इतना पैसों से। थोड़ा जूम कर ले। देखो गाइस ये है रिलेशनशिप वाला लड़का, कितना परेशान लग रहा है बेचारा। हम यहाँ लियो मूवी का वेट कर रहे हैं, एंजॉय करने का वेट कर रहे हैं, और ये बेचारा टेंशन में घूम रहा है। देख रहे हैं ये होता है रिलेशनशिप का नतीजा, तो कृपया सतर्क रहें सावधान रहें। तो गाइस हम मूवी देखने आए लियो पर फोटो खींच रहे हैं गणपत के आगे। क्या फ़र्क पड़ता है गाइस, फोटो खींचने चाहिए बस। सही है भाई। जिंदगी में फोटो ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। मूवी आप कोई सी देखें, फोटो आप किसी के आगे पोस्टर के आगे खिंचाएं, पर फोटो खींचना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंस्टाग्राम पे पड़ना है। अरे अपना तो निकाल ले गाइस, फोटो थोड़े ब्लर आ रहे हैं, तो हमारा जो कैमरामैन है ना वो शायद हिला के आया है। ये पूरा व्लॉग ला लेगा। तो गाइस मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे हमारे फ़ोटो थोड़े ब्लर मिले, अगर मिले तो फिर समझ जाना कि ये लड़का इलाके आया। गाइस हर बार जब फ़ोटो ब्लर आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है हर बार कि फ़ोटो ख़राब आई है या गलती से कैमरा हिल गया। हो सकता है कैमरामैन के हाथ जो हैं वो कपकपा रहे हों क्योंकि वो मेहनत करके आया हो एक घंटा पहले शायद टॉयलेट में। तो भाई जब आप मूवी देखने आते हो तो आपको दो तरह के लोग मिलते हैं, एक होते हैं जो डबल होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं चाहे वो गंती हो चाहे लंबी, एक होते हैं मेरे जैसे सिंगल, और ये हैं कुछ हमारे सिंगल लोग जो पीछे बैठे हुए हैं बेंच होते और जो फोटो भी खिंचा रहे हैं। हम लोग भी बहुत अच्छी है, बीजीएम बहुत अच्छा है, एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ही ग्रूसम एक्शन है, कह रहे मतलब आर रेटेड वाला बिल्कुल एक्शन खतरनाक। तू कुछ कहे? मूवी मस्त, हीरो मस्त, साउंड मस्त, सॉन्ग को छोड़ के और लॉन्डी स्टोरी और डिलीवरी बॉय। जब मूवी शुरू हुई थी तो ऐसा था हीरो ना बर्फ की दीवार पे दौड़ रहा था, तो हमने सोचा कि क्या लॉजिक, तो हमें लगा कि क्या मूवी है ये। लेकिन जब गाइस हमने वो चीज़ फाड़ देखने लॉन्डी तो हमारे अंदर का खून गर्म हो गया। तब हमें कुछ ज़्यादा मज़ा आया, तब हमें लगा कि हाँ अब मूवी तगड़ी जा रही है। फिर उसके बाद जब हमने बीजीएम देखा और हमने देखा कि भाई बढ़िया एडिटिंग है, सब कुछ बढ़िया है, वीएफएक्स भी बढ़िया है, बीजीएम भी बढ़िया है, सब बढ़िया है, उसके बाद जब संजय दत्त की एंट्री हुई तो और तब मज़ा आ गया। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर ट्राई करूँ या नहीं करूँ। तो गाइस थोड़ा कमेंट करके बताओ कि मैं ट्राई करूँ या नहीं करूँ, तो या तो वो सेट होगी या तो मेरे मुंह पे चप्पलें पड़ेंगी।
वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, लड़की पसंद आ गई है, अच्छी बात है, दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत बस इतनी सी है कि उसके साथ उसका BFI हुआ है, तो हो सकता है कि अगर मैं उसे पटाने की कोशिश करूं तो मेरी चप्पल भी पड़ सकती है। लड़की को पटाना मुश्किल नहीं है, वो आसान है, पटाना मुश्किल है उसके BF को कि वो क्यों छोड़े अपनी गर्लफ्रेंड। एक नंबर थी, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था, जीरो एक्सपेक्टेशन लेकर गया था, पर जिस लेवल का पहला हाफ था उस लेवल का सेकंड हाफ भी निकला और मजा आ गया ऊपर मूवी में, और जो कनेक्शन बिठाया ऐसा लग रहा था मैच्योर मूवी बहुत थी, बहुत अच्छी लगी ओवरऑल। लौंडे के अलावा कुछ और पसंद आया? नहीं, मूवी मस्त थी, और मुझे सच बताओ मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था, बस प्लान बनाया, सडनली देखने चला आया, इन लोगों से सुना कि यूनिवर्स बना रहे हैं और ये कैथी और विक्रम मूवी सब इसमें जुड़ी हुई है, और जब ये सब चीज़ मेरे को मिला प्लस इसका एक्शन और इसका BGM बिल्कुल मज़ा आ गया भाई, सब पैसे वसूल एकदम। BGM सब तगड़ा है, तगड़ा था वो, हमेशा अच्छा यार अनिरुद्ध जो उसका म्यूजिक डायरेक्टर है, हमेशा अच्छा लगता है। बस बात ख़त्म, और गाइस लड़की सेट नहीं हो पाई उसका बहुत अफसोस हो, उसके बॉयफ्रेंड को मैंने बहुत मनाने की कोशिश करी, वो कह रहा नहीं नहीं भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए गाइस लड़की सेट नहीं होता, सो सैड फॉर मी। बस इतना ही था, बाय, और चलो बाय छोड़ यार इससे ज़्यादा कवर।